हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड ट्रेडर सुशांत बैक विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ये वीडियो में अपन एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका फ्यूचर स्कोप एक अच्छा खासा है, और आप इन्वेस्टमेंट के लिए चाहते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ो, आपको इंट्राडे में भी अच्छा खासा रिजल्ट देख के जाएगा। द रीजन बिकॉज कि आपके सामने है मिंडा इंडस्ट्री के बारे में, मैंने एक आर्टिकल ओपन किया है CNBC वेबसाइट पे से, तो आप देख सकते हैं कि द कंपनी इज प्लानिंग टू राइज अप टू 47 करोड़, और इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली है कि पर द कंपनी सेड द शेयर होल्डर कैन अप्लाई फॉर 1 share फॉर एवरी 27 shares दे ओन। तो ऐसी बड़ी बड़ी खबर ये स्टॉक में आने वाली है। और द की फैक्टर इज कि जो भी अभी मिंडा इंडस्ट्रीज ऑल अबाउट कार का जो मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट उसके बारे में है, तो अभी के आपको देख सकते हैं इंडिया में जो भी कार्स के डिमांड है वो लगभग इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो इसका इफ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चाहिए तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है अभी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और इफ आप इंट्राडे के बारे में सोच रहे हो ये स्टॉक में कल ट्रेड करने का, तो मैं आपके लिए एनालिसिस लाया हूं, दो सेकंड में दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 247 कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इसका जस्ट एप्लीकेशन राइट टू इक्विटी ऑफ स्टॉक ये सबमिट हुआ है, और इन्वेस्टर है जो पहले से इन्वेस्ट करके रखा है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये स्टॉक बहुत लोगों के अभी सामने आ रहा है, मनी कंट्रोल पे बहुत न्यूज फैल रही है, तो कल के दिन इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ सकता है। तो आप ये स्टॉक कल के दिन के लिए आप वॉचलिस्ट में लेके रख सकते हो। अभी अपन एनालिसिस की बात पे आते हैं, तो देख सकते हैं मैंने इस पे 1 hour के चार्ट पे एनालिसिस करके रखा है। तो कैसे एनालिसिस करके रखा मैं बता रहा हूं। देखो अभी 1 hour के चार्ट में आप इफ देख सकते हो, तो इसमें आपको आपके सामने है कि देखो ये जो फेस है इधर से रिट्रेसमेंट, और भी आप देखो कि ये लगभग मंथ के एकदम हाई पे है, तो एकदम टॉप पे हाई पे ऊपर जाने वाला है, हाई से रिट्रेसमेंट हुआ है और अभी ये मूवमेंट है। तो अभी मेरे हिसाब से देखो ये उसका एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, ये इसका अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट है, S1 है ये और ये S2 है। तो अभी के लिए अपना एम है कि जब जैसे ही ये S1 ब्रेक होता है, इफ आप अभी ये लेवल्स बहुत दो इंपॉर्टेंट है, तो अपन 5 minute के चार्ट पर जाते हैं, इंट्राडे के लिए बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए तो डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है, अच्छा अपॉर्चुनिटी, अभी डीप भी क्रिएट किया है। इफ आप ये फेज से डीप भी क्रिएट किया तो इधर से एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है, अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा इसमें, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। मैं पहले ही बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज है कि कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहिए और कैसे चीजें देखनी चाहिए। तो अभी अपन 5 minute के टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीजें देखेंगे कि इंट्राडे के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है ये चीजें। तो देखो इंट्राडे के लिए ये लेवल्स जस्ट आया है, तो ये लेवल के ऊपर इफ ये ओपन होता है तो अपने को अच्छा खासा 20-30 पॉइंट का, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट लेवल है तो इधर से डायरेक्ट रिट्रेसमेंट होने का चांसेस है। फर्स्ट तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अभी के लिए ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और ये सेकंड रेजिस्टेंस है। तो अभी अपन देखेंगे, तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, समझो कल के दिन गैप अप ओपन हुआ 3-4 पॉइंट ये लेवल के ऊपर, तो अपने को एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, और ये सेकंड रेजिस्टेंस तो इधर ही है, तो अपने को अच्छा खासा 20-30 पॉइंट का तो एक लेवल मिल सकता है इफ कल ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। तो ये स्टॉक को जरूर अपने वॉचलिस्ट में लाइए और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाइए मिंडा इंडस्ट्री से। और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो भी ऑटो सेक्टर का ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कार का डिमांड लगभग इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो जरूर जाइए इसमें और एक अच्छा खासा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और आप इसका पीई रेशो भी देख सकते हैं और मार्केट कैप भी देख सकते हो, अच्छा खासा, इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया। बट और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए लेने से पहले और इंट्राडे में ट्रेड करने से पहले अपना कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा उसके साथ बात कीजिए और डिस्कस कीजिए, और उसके बाद ही कोई भी मूवमेंट करना, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। तो गाइज दैट्स इट, मैंने आपको अच्छा खासा एक स्टॉक रिकमेंड कर दिया है, आपके ऊपर आपको बाय करना है क्या करना है। तो गाइज दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, और ये जो कोविड सिचुएशन में इसका बेनिफिट यूज कीजिए, घर पे बैठ के अच्छा खासा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं बाय ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके, तो जरूर कीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय। दिस कुड बी अस, सो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, दिस कुड बी अस, सो कूल, दिस कुड बी अस।